हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हो, टैबलेट मोडूस 10। दोस्तों, जो मोडूस 10 टैबलेट है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो का एंड पे मैं इस मोडूस 10 mg टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसका ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो तो कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो ये जो मोडूस 10 mg टैबलेट है, इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को फॉलो करके डायरेक्टली DM कर सकते हो, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दूंगा, अभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो मोडूस 10 mg टैबलेट है, ये 10 टैबलेट्स का पत्ता हमें मिलता है, कीमत है 60 रुपये। और इसे जो कंपनी बनाती है, तो कंपनी का नाम है GSK, यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही अच्छे फेमस कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में से। तो योग इसका कंपनी। अब बात करें इसके कंपोजिशन कि क्या केमिकल सॉल्ट से दवा को तैयार किया गया। तो दोस्तों, इसका हर एक टैबलेट में है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, जो कि एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, यानी मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन 10 mg, जो कि एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो योग इसका कंपोजिशन। अब बात करें इसका यूज़ कि क्या इस मोडूस 10 mg टैबलेट का यूज़ देखा जाता है। तो दोस्तों, इसका एक नंबर यूज़ किया था एमिनोरिया। दोस्तों, एमिनोरिया महिलाओं की उस अवस्था का आता है जिस अवस्था में महिलाओं का पीरियड 2-3 महीना के लिए डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, पीरियड आता नहीं है, उसको पीरियड को लाने के लिए दवा हेल्प करता है, पहला। दूसरा दोस्तों, इसका यूज़ किया था डिलेड मेस्ट्रुएशन, यानी पीरियड की डेट को आगे बढ़ाना, या तो अगर घर में कुछ भी पूजा त्यौहार या फंक्शन है उस दौरान अगर आपका पीरियड का डेट है, उस दौरान अगर आप अपना पीरियड का डेट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस दवा की मदद से उस डेट को आगे बढ़ा सकते हो। तीन नंबर दोस्तों, इसका यूज़ किया था PCOS और PCOD। दोस्तों, महिलाओं का जो ओवरी में जो छोटा छोटा पानी भरा हुआ सैक जैसा सिस्ट होता है, उसी को PCOS और PCOD कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसका यूज़ किया था एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस बच्चा देने का तीन लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर में जो एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो जाता है, सूजन होता है, उसी को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका यूज़ किया था मेनोरेजिया। दोस्तों, मेनोरेजिया महिलाओं की उस अवस्था कहा जाता है जिस अवस्था में महिलाओं का पीरियड तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन पीरियड बंद नहीं होता, 1 महीना 1.5 महीना 10 दिन 15 दिन से बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है या फिर स्पोर्टिंग टाइप का बहुत ही लंबे समय तक ब्लीडिंग चल सकता है, तो उसको मेनोरेजिया कहा जाता है। तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है पेनफुल मेस्ट्रुएशन। तो ये उन महिलाओं को भी दिया जाता है जिन महिलाओं को पीरियड के टाइम पर बहुत ज़्यादा निचला पेट में सीवियर पेन होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, ये कुछ यूजेस। अब बात करें इसका डोज, कौन सा डोज में टैबलेट को एडवाइस किया था। दोस्तों, इसका जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस डोज है, ये डिपेंड करता है कि मरीज किस पर्पस में दवा को ले रही है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मरीज इस दवा को पीरियड को लाने के लिए ले रही है, यानी मेरा मरीज का पीरियड अगर 2-3 महीने अगर बंद है, तो उस दौरान जो इसका डोज चलता है, रोजाना एक टैबलेट सुबह और रात खाना खाने के बाद 5 दिन के लिए, फिर 5 दिन खाने के बाद पीरियड कब आएगा। दोस्तों, 5 दिन बाद जैसे दवा लेना बंद करोगे, जिस दिन आपका दवा बंद होगा उस दिन से लेकर अगला 15 दिन के अंदर आपका कभी भी पीरियड आ सकता है। तो कुछ डोजेज। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट। दोस्तों, साइड इफेक्ट्स के रूप में नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वर्टिगो, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, वेजाइनल स्पॉटिंग, ब्रेस्ट पेन, ऐसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई मिल सकता है दवा का इस्तेमाल करने के दौरान, जो कि सबको नहीं होता, लाखों करोड़ों किसी के को हो सकता है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस, यानी सावधानी के, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल करना सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल ना करें, लैक्टिव मदर सावधानी के साथ ले सकती है, कोई असुविधा नहीं होगा। तो कुछ सावधानी। अब बात करते हैं रिव्यू, यानी ये जो मोडूस 10 mg टैबलेट इसका रिजल्ट कैसा है। दोस्तों, जहाँ जहाँ पे मैंने इसका यूज़ बोला उस जगह पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका रिजल्ट, इसका बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको यही जानकारी देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।